पंजाब नेशनल बैंक महाघोटाले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ सेट्टी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। गोकुलनाथ सेट्टी सहित दो और लोग मनोज करात और हेमंत भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। सेट्टी पर बिना गारंटी कर्ज देने का आरोप है। जांच एजेंसियों को पीएनबी पर शक गहरा गया है कि बिना गारंटी इतनी बड़ी रकम कैसे दी गई। नीरव मोदी के बाद गोकुलनाथ सेट्टी का ही नाम बैंकिंग इतिहास के इस सबसे बड़े घोटाले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था। सेट्टी ने बिना गारंटी लोन दिए, जिसके बाद बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठने खड़े हो गए। सेट्टी पिछले साल मई महीने में पंजाब नेशनल बैंक से बतौर डिप्टी मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। पंजाब नेशनल बैंक के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए गीतांजलि जेम्स ने 2,144 करोड़ 37 लाख रुपए, जिली इंडिया लिमिटेड ने 566 करोड़ 65 लाख रुपए और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड ने 321 करोड़ 10 लाख रुपए निकाले थे। यानी कुल मिलाकर मेहुल चौकसी की कंपनियों ने 3,032 करोड़ 12 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए थे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए कुल 143 बार निकासी की गई थी, जबकि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जारी किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए गीतांजलि जेम्स ने 575 करोड़ 11 लाख रुपए, जिली इंडिया लिमिटेड ने 625 करोड़ 40 लाख रुपए और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड ने 598 करोड़ 85 लाख रुपए निकाले थे। इस तरह लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए निकाली गई कुल रकम 1,854 करोड़ 60 लाख रुपए। पंजाब नेशनल बैंक महाघोटाले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ सेट्टी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। गोकुलनाथ सेट्टी सहित दो और लोग मनोज करात और हेमंत भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। सेट्टी पर बिना गारंटी कर्ज देने का आरोप है। जांच एजेंसियों को पीएनबी पर शक गहरा गया है कि बिना गारंटी इतनी बड़ी रकम कैसे दी गई। नीरव मोदी के बाद गोकुलनाथ सेट्टी का ही नाम बैंकिंग इतिहास के इस सबसे बड़े घोटाले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था। सेट्टी ने बिना गारंटी लोन दिए, जिसके बाद बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठने खड़े हो गए। सेट्टी पिछले साल मई महीने में पंजाब नेशनल बैंक से बतौर डिप्टी मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। पंजाब नेशनल बैंक के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए गीतांजलि जेम्स ने 2,144 करोड़ 37 लाख रुपए, जिली इंडिया लिमिटेड ने 566 करोड़ 65 लाख रुपए और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड ने 321 करोड़ 10 लाख रुपए निकाले थे। यानी कुल मिलाकर मेहुल चौकसी की कंपनियों ने 3,032 करोड़ 12 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए थे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए कुल 143 बार निकासी की गई थी, जबकि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जारी किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए गीतांजलि जेम्स ने 575 करोड़ 11 लाख रुपए, जिली इंडिया लिमिटेड ने 625 करोड़ 40 लाख रुपए और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड ने 598 करोड़ 85 लाख रुपए निकाले थे। इस तरह लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए निकाली गई कुल रकम 1,854 करोड़ 60 लाख रुपए।